कभी सोचा है कि मेडिकल साइंस की जड़ें कहाँ हैं? अगर मैं कहूँ कि इसकी जड़ें भारत में हैं, तो आप चौंक जाएंगे। हाँ, वही भारत जिसने अपनी प्राचीन विद्या और ज्ञान से पूरी दुनिया को अचंभित किया। आज जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो अक्सर पश्चिमी देशों को श्रेय दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ही वह पवित्र भूमि है जहाँ सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान की नींव रखी गई थी। अब सुनिए सुश्रुत के बारे में, जो दुनिया के पहले प्लास्टिक सर्जन थे। वह 6वीं सदी ईसा पूर्व के महान चिकित्सक थे, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, जो सर्जरी और चिकित्सा का अद्वितीय ग्रंथ है। जब दुनिया सर्जरी के नाम से अनजान थी, तब सुश्रुत ने नाक की पूर्ण निर्माण सर्जरी यानी कि राइनोप्लास्टी का आविष्कार किया था। जी हाँ, आज जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, उसकी नींव भारत में ही रखी गई थी। सुश्रुत के ग्रंथ में 300 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाएं और 120 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का विवरण है। यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उन्होंने मोतियाबिंद की सर्जरी, सिजेरियन सेक्शन और यहाँ तक कि अंग विच्छेदन जैसी जटिल सर्जरी भी की थी। अगर हम दूसरी बात करें आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा की आत्मा की, तो आपको बता दें आयुर्वेद जो कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, इसकी जड़ें प्राचीन वैदिक ग्रंथों विशेषकर अथर्ववेद में मिलती हैं। यह स्वास्थ्य और कल्याण का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो प्राकृतिक उपचार और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को महत्व देता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में औषधीय जड़ी बूटियों और खनिजों की गुणकारी विशेषताओं का गहन अध्ययन है, जिन्हें विभिन्न रोगों के उपचार में उपयोग किया जाता है। चरक संहिता जो कि 300 ईसा पूर्व में आसपास लिखी गई थी, रोगों की पहचान, उपचार और रोकथाम पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। वहीं अगर हम बात करें रक्त संबंधित उपचार की, तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में रक्त संबंधित उपचारों का भी विवरण मिलता है। रक्त शुद्धिकरण और इसके स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव की अवधारणा आयुर्वेदिक साहित्य में विस्तार से वर्णित है। हालांकि रक्त संचारण यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सीधा प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन रक्त शुद्धिकरण और इसके महत्व पर जोर देना दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों को रक्त संचार प्रणाली की गहरी समझ थी। अब बात करें हृदय रोग उपचार की, तो प्राचीन भारतीय चिकित्सक हृदय और इसके कार्यों के बारे में अद्वितीय जानकारी रखते थे। आयुर्वेदिक ग्रंथों में हृदय रोगों और उनके उपचार पर विस्तृत चर्चा है। पौष्टिक आहार, हर्बल उपचार और योग एवं ध्यान जैसी चिकित्सीय प्रथाओं का उपयोग हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जाता था। अगर हम बात करें भारत का चिकित्सा विज्ञान में योगदान के बारे में, तो इन उल्लेखनीय योगदानों के बावजूद चिकित्सा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजों का श्रेय अक्सर पश्चिमी वैज्ञानिकों को दिया गया, जो कि औपनिवेशिक कथा का हिस्सा है। ब्रिटिश राज के दौरान कई चिकित्सा तकनीकों और औषधीय प्रथाओं को अंग्रेजों की अनुवादित और प्रकाशित किया गया, जिसमें वे पश्चिमी वैज्ञानिकों के नाम पर प्रचलित हो गए, जबकि उनकी असली खोजकर्ता भारतीय ऋषि और विद्वान थे। वही बात करें आधुनिक विज्ञान के लिए योगदान की, तो आज दुनिया धीरे धीरे भारत के प्राचीन चिकित्सा विज्ञान के अद्भुत योगदानों को पहचानने लगी। शोधकर्ता और इतिहासकार प्राचीन ग्रंथों की फिर से जांच कर रहे हैं और एक ऐसा ज्ञान भंडार खोज रहे हैं जो आधुनिक चिकित्सा को क्रांति कर सकता है। अगर हम बात करें भारतीय चिकित्सा विज्ञान के महत्व की, तो भारत के समृद्ध चिकित्सा विज्ञान की विरासत हमारे प्राचीन विद्वानों की बुद्धिमता और ज्ञान का प्रतीक है। वैदिक ग्रंथ और अन्य प्राचीन शास्त्र मानव स्वास्थ्य और कल्याण की गहन समझ प्रदान करते हैं, जो संतुलन और प्राकृतिक उपचार को महत्व देते हैं। अब समय आ गया है कि हम इन योगदानों को स्वीकार करें और मनाएं और इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक प्रथाओं के साथ मिलकर मानवता के कल्याण के लिए काम करें। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला स्कल ट्रांसप्लांटेशन भी प्राचीन भारत में हुआ था? बृहद्र मौर्य साम्राज्य के एक राजा का प्राचीन भारतीय शास्त्रों में उल्लेख है, जिन्होंने एक असाधारण सर्जिकल प्रक्रिया का उपयोग करके अपने सिर का प्रत्यारोपण कराया था।
इसके अलावा पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष के माध्यम से रोगों की पहचान और उपचार का ज्ञान भी आयुर्वेद की विशेषता है। भारत की चिकित्सा विरासत जो कभी विश्व के चिकित्सा विज्ञान की आधारशिला रही है, उनको अंग्रेजों द्वारा छिपाया और नकारा गया। पश्चिमी दुनिया ने हमारे प्राचीन ज्ञान और तकनीकों को अपने नाम पर श्रेय दिया और इनका उपयोग करके कई पुरस्कार जीते। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने दिल से अपनी इस महान विरासत को जाने और स्वीकार करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।